को मिलेंगी नहीं, आपको खरीद के भी नहीं मिलेंगी। ये जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो कॉन्फिगरेशन के लिए, ये नहीं है कि मैंने हमारे लेक्चरर साहब को इनवाइट कर लिया या गवर्नमेंट रिटायरमेंट डे सेलिब्रेट किया है, नो। सुनियोजित करना है अपने वातावरण के, हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, जितनी मेरी बच्चियां हैं, ब्रांड एम्बेसडर है, किसके लिए? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस कठुआ में मनाया जा रहा है, आज यहाँ आए हुए हमारे साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम, हमारे प्रोफेसर साहिबान, हमारे यहाँ के DFO साहिबान और यहाँ के लेक्चरर्स, टीचर्स और जो हमारे फॉरेस्ट के सोल्जर हैं, जो गार्ड्स और छोटे छोटे बच्चे। तो आज ये जो वर्ल्ड डे एनवायरनमेंट डे जो मनाया जा रहा है, तो हमारी तो यही सबसे कि अगर हमें आगे जीना है और हमने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य का अगर काम है तो वो पौधों को लगाना है, क्योंकि पौधे होंगे, अच्छी हवा होगी, तो हम और हमारे बच्चे जो कि देश का आने वाला भविष्य हैं, वो तंदुरुस्ती के साथ जिएंगे, मज़े से जिएंगे। और आपने देखा होगा कि कितना पॉल्यूशन चारों तरफ है, चाहे वो प्लास्टिक का है, चाहे वो डीजल पेट्रोल का है, किसी भी किस्म का, हमें इस पर सबको मिल के कंट्रोल करना है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के हैं, वो पूरी ताकत के साथ पॉल्यूशन फ्री, जो वो चाहते हैं कि देश, इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में जो पॉल्यूशन ख़त्म हो जाए और जो एनवायरनमेंट है वो आगे आए, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांटेशन करें। इसका मेन है कि हम प्लांटेशन जितनी कर दें, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के पेरेंट्स को मैं निवेदन करता हूं कि वो आने वाली अभी बरसात कुछ ही महीने में लगभग बरसात आने वाली है, तो जितने पौधे वो लगवा सकते हैं अपने बच्चों से, अपने आप से, स्कूल में, कॉलेजेस में, कोई खाली ग्राउंड है, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा।